नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा। आप देख रहे हैं एसपीएन न्यूज। स्वागत है आप सभी का आज की बड़ी खबर में। बड़ी खबर की शुरुआत रामचरितमानस से। रामचरितमानस में बहुत सारी ऐसी चौपाई हैं जिनको पढ़ा जाता है। और देखिए, रामचरितमानस एक ऐसा ग्रंथ है, एक ऐसी किताब है जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा, हिंदुओं के लिए बहुत ज़्यादा आस्था का आस्था माना जाता है। और देखिए, जाहिर तौर पर अगर हम बात करें तो रामचरितमानस को लेकर इन दिनों चर्चाएं बनी हुई हैं। लगातार तमाम नेता जो है रामचरितमानस को लेकर जो है वो बात कर रहे हैं। लेकिन इस वक्त की खबर क्या है? इस वक्त की खबर ये है कि रामचरितमानस पर शिवपाल यादव का बड़ा बयान सामने आया। अभी हाल ही में अपर्णा यादव ने बयान दिया था। बीजेपी के तमाम बड़े नेता, साधु संत सब कह रहे थे कि भाई स्वामी प्रसाद मौर्य को ऐसा बयान नहीं देना चाहिए रामचरितमानस पर। और बकायदा अखिलेश यादव ने स्वामी प्रसाद मौर्य को फटकार लगाई है। उन्होंने कहा कि रामचरितमानस को लेकर स्वामी प्रसाद मौर्य को इस तरह का बयान नहीं देना चाहिए, पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, सीनियर लीडर हैं। लेकिन शिवपाल यादव क्या कुछ कर रहे हैं, अपने दर्शकों को दिखाते हैं। देखिए, वो उनका व्यक्तिगत बयान है, पार्टी का बयान नहीं है। और हम लोग तो भगवान राम के आदर्शों पर चलने वाले लोग हैं, भगवान कृष्ण के आदर्शों पर चलने वाले लोग हैं। तो उनके बयान पार्टी का बयान नहीं है। इस बयान से नुकसान भी तो पार्टी का बहुत ज़्यादा होता है। तो पार्टी का बयान थोड़े हैं। हम कह रहे हैं कि भगवान राम और कृष्ण के आदर्शों पर हम चलने वाले लोग हैं और चल रहे हैं। और हमने उसने ने वहाँ कहा था, रब कुल रीत सदा चली आई, वचन जाए पर वचन न जाए। क्या भारतीय जनता पार्टी के लोग चल रहे हैं भगवान राम के आदर्शों पर? भगवान कभी झूठ नहीं बोलते। ये तो भगवान राम कोई बेच रहे हैं। हम लोग भगवान राम के आदर्शों पर चलने वाले लोग, भगवान कृष्ण के आदर्शों पर चलने वाले लोग, उनका बयान पार्टी का बयान नहीं है। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि अब इस बार जो है, जिस तरह से पहले चुनाव में आपका सामना करना पड़ा था, वैसी समाजवादी पार्टी को जनता ने कहा। देखिए, बड़ बोले हैं, आए थे हमारे जसवंत नगर में, अभी आए थे मैनपुरी के लोकसभा के चुनाव में, ताखा में आए थे। और हमारे क्षेत्र की जनता ने उनको सबक सिखा दिया है और आगे भी हम उन्हें बताएंगे कैसे चुनाव लड़ा जाता है। और उसी तरीके से, जिस तरीके से अभी मैनपुरी लोकसभा में इन्हें बड़पोलेपन को सबक सिखाया है, और आगे चल कर के हम उसी तरीके से इन्हें, जिस तरीके से मैनपुरी में सबक सिखाया है, उसी तरीके से उत्तर प्रदेश की जनता और हम बताएंगे कैसे चुनाव लड़ा। तो ये रिपोर्ट आपने देखी कि शिवपाल यादव ने रामचरितमानस को लेकर क्या कुछ कहा। दरअसल इन दिनों देखा जा रहा है कि जिस तरीके से जाति, समुदाय, धर्म को लेकर लड़ाइयाँ शुरू हो गई, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। क्योंकि हमारे देश में ऐसे बहुत सारे मुद्दे, चाहे रोजगार, बेरोजगारी, शिक्षा के, जिन पर बात करनी चाहिए और जिनको आगे उठाया जाना चाहिए। आज के लिए इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, नमस्कार।